आज के इस प्रभु के कृपा से अनायास आयोजित सत्संग कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव का तो आशीर्वचन आप सब लोग लेंगे जी। बहुत सारे हमारे दूर दराज से बहुत बहुत लोग प्रतीक्षित हैं, मैं जान रहा हूँ। दूर दराज से आए लोगों को कुछ समय हम आप छोड़ेंगे। उसके पहले बता दें आपके सबों को आज के पावन इस कार्यक्रम में हमारे सभी योगपीठ के कलाकार सभी तो है ही, जो भजन का आनंद सब सर्वत्र दिया करते हैं। हमारे बड़े भैया डॉक्टर हिमांशु मोहन सिंह दीपक जी हैं भजन सम्राट, और उनके मुखारवंद से भी हम आप सब लोग भजन का रसा स्वादन करेंगे। हमारे कविता मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा जी हैं, उनके मुख से हम आप सब लोग उद्गार करेंगे, सुनेंगे। हमारे परमात्मी श्री सियाबाऊ हैं, हमारे पंडित श्री प्रभात झा जी हैं, आदरणीय पंडित श्री प्रभात झा जी हैं, और हमारे पूज्यवर आचार्य शिवशंकर ठाकुर जी हैं, हमारे व्याकरणाचार्य न्याय वेदांताचार्य हमारे परमात्मा पंडित शंभुनाथ शास्त्री जी हैं, उनके मुखारवंद से भी हम आप सुनेंगे। फिर हमारे भाई कैवर राजकुमार जी हैं, उनके मुख से सब लोग आनंद लेंगे। हमारे डॉक्टर असीम दास जी हैं जो भागलपुर से हैं, और आप पहले भागलपुर में विभाग में चार्ज में थे पूरे भागलपुर हॉस्पिटल के। और एक विशेष बात ये है कि सब नाम की चर्चा मैंने की, हमारे बीच आज बड़ा संयोग है कि हमारे बिहपुर ठाकुर वाले के महंत हमारे परमात्मी भाई नवल किशोर दास जी भी आज उपस्थित है। आज वही ठाकुर वाली में एकाएक ठाकुर जी की इच्छा हो गई कि कार्यक्रम हो, उसका आनंद हो, और वहाँ गुरुदेव दर्शन के लिए गए। फिर सबों ने जो स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सभी लोगों ने बड़े भाव से किया, ठाकुर जी के दर्शन हुए। और साथ ही साथ हम चुके उनको एक कार्यक्रम और है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप सामने चले आए हमारे महंत श्री नवल किशोर जी, और बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, सारे के सारे धार्मिक अध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे दीपक भैया आप माला अर्पित कर देंगे। और कुरवारी में और गुरुदेव ये आशीर्वाद दे रहे हैं अंग वस्त्र के। आनंद सब लोग लेते चले जाएंगे, और हम चाहेंगे कि आप अपने मुखारवंद से कुछ निवेदित कर दें। सनातन धर्म के ध्वजवाहक, सनातन धर्म के स्तंभ, उद्भट विद्वान, प्रातः स्मरणीय महान संत और तोताद्री मठ अयोध्या के महंत परम पूज्य स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, सनातन धर्म के ध्वजवाहक उद्भट विद्वान, प्रातः स्मरणीय महान संत, शिव शक्ति पीठ के पीठाधीश्वर
परम पूज्य स्वामी आगमानंद जी महाराज और इस पावन समारोह में शामिल हुए सभी श्रद्धालु जन। आज परम पूज्य गुरुदेव स्वामी अनंताचार्य जी महाराज अभी तुरंत ही बिहपुर ठाकुरबारी से ठाकुर जी का दर्शन करके लौटे हैं। आप लोगों के बीच में साधु का ठाकुर जी का घर ही साधु का घर होता है, भगवान का ही घर साधु का घर होता है, साधु का कोई और घर नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के बिना साधु रह ही नहीं सकता है। इसलिए जहां भी भगवान का घर होगा साधु वहां दौरे चले जाते हैं। इसलिए उनका पूरा उनके जीवन का पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति होता है। इसलिए वो जहां भी रहेंगे भगवान के बीच ही रहेंगे, भगवान के ही शरण में रहेंगे, वो दूसरे जगह जा ही नहीं सकते। तो ठाकुर जी की प्रेरणा मिली कि हमारे पूज्य गुरुदेव अभी ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद यहां पर आप लोगों के बीच में आए हैं। आप इनके मुखारविंद से इनका अमृतमयी वचन आप लोग श्रवण करेंगे और हम तो स्वामी आगमानंद जी महाराज जो है यहाँ कोटिशह धन्यवाद के पात्र हैं कि यह नगुछिया योगपीठ आश्रम जो है इनका, ये सिर्फ आश्रम ही नहीं है, इन्होंने संतों का सरोवर बना दिया, जिस संत सरोवर में आप लोग को बार बार स्नान करने का मौका मिलेगा। देश के नामचीन संत इनकी कृपा से यहाँ आते हैं और पूज्य गुरुदेव स्वामी अनंताचार्य जी महाराज जो इस देश के नामचीन संत हैं, अयोध्या में इनकी खासी प्रतिष्ठा है, पूरे हिंदुस्तान में इनकी प्रतिष्ठा है, वो अभी आपके बीच बार बार जो है मौजूद रहते हैं। तो ये कृपा है हमारे आगमानंद जी महाराज का कि बार बार जो है ये अपने गुरुदेव को बुलाते हैं, बार बार संतों की सेवा करने का आप लोगों को शुभ अवसर प्रदान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो देखिए हम तो कर्म में विश्वास करते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं, ये कथा पंडाल में जाना, ये संत महंतों की बात को सुनना श्रवण करना, ये सब फालतू की बातें हैं, हम तो सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन वह मूर्ख अभागे इस बात को नहीं जानते हैं कि धर्म और कर्म अलग अलग नहीं हो सकता है। धर्म सहित कर्म ही जो है वह कर्म कहला सकता है, धर्म रहित कर्म जो है वह सिर्फ कार्य कहला सकता है। और चोरी करना भी कार्य की श्रेणी में आता है, बेईमानी करना ठगी करना भी कार्य की श्रेणी में आता है, उनको यह भी पता होना चाहिए। इसलिए जो धर्म है वही कर्म है, जो कर्म है वही धर्म है, बिना धर्म का कर्म का कहीं कोई स्थान नहीं है, कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप लोगों को सौभाग्य मिला हुआ है कि बार बार आपको कथा पंडाल में आने का, संतों के शरण में आने का शुभ अवसर प्रदान हो रहा है। तो इसको आप लोग कभी जाया मत कीजिए, कभी भी ऐसा मौका मत गमाइए, क्योंकि कहा गया है, उनके लिए कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं, तो धारित इति धर्म है, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास ने दो ही वचन कहे हैं, परोपकार पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है परहित, तो दूसरों को कष्ट देना जो है वह पाप है और दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना जो है वह पुण्य, हमारे धर्म में कहा गया है। तब आप ही बताओ कि धर्म और कर्म तो अलग अलग नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग धार्मिक बनिए, गुरुओं की शरण में आइए, भगवान की भक्ति से विलग नहीं होइए। हम तो कोई
छाप है, हम लोग भी कोई आचार्य है, कोई एम ए है, कोई एमएससी है, कोई इंजीनियरिंग पर कंप्लीट करके संत बने हुए हैं, तो कोई बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ करके संत बने हुए हैं, तो कोई बेवकूफ थोड़े हैं। भगवान की शरण में आइएगा, भगवान की शरणागति को प्राप्त कीजिएगा, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, चूंकि हमारे आगमानंद जी महाराज का आदेश हुआ तो मैं उनके आदेश का पालन किया कि आपके सामने और गुरुदेव के सामने कुछ बोलने का शुभ अवसर मिला, तो मैं अपने जीवन का यह सौभाग्य समझता हूँ और इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। चलिए कुछ कुछ क्षण ही लेंगे और कुछ क्षण के लिए पूज्य गुरुदेव ये मार्ग छोड़ देंगे भैया, आ जाएंगे और ठीक पश्चात मिनट में आ रहे हैं सबको दर्शन के लिए पुनर्चा। इस बीच में सब लोग कार्य का आनंद लेते चले जाएंगे और हमारे पंडित प्रभात झा जी जो हमारे गुरुजी भी रहे हैं कुछ कुछ ये शब्द निवेदित कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि जो लोग जाने वाले हैं गुरुदेव कुछ क्षण में आएंगे, उनका कुछ कुछ अमृत वचन सुन लेंगे, फिर सबको हम जान रहे हैं कि प्रसाद दे देंगे। जो दर्शन करने के लिए आएंगे दूर दराज से लोग चले आएंगे लाइन में, फिर दर्शन करके आशीर्वाद लेके चले जाएंगे। हमारे प्रभाचा जी ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेधासिदेव विदिताखिलशस्त्रसारा दुर्गासिदुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारहृदये कटपादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। प्रभु की जब तक की कृपा नहीं होती तब तक संतों का दर्शन प्राप्त नहीं होता। जब तक कि हम सभी जो यहां पहुंचे यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है जो संत शिरोमणि का दर्शन प्राप्त करके हम कृतकृत्य हो जाते हैं। चूंकि भगवान ने भी कहा है कि संत स्वरूप मैं ही हूं, अन्यत्र कोई नहीं है। संतों में मुझे देखो, मैं सब कुछ प्राप्त करा सकता हूं। तो हमारे इस शिव शक्ति योग पीठ में के इस दिव्यमय पवित्र प्रांगण में अखिल भारतीय संत शिरोमणि हमारे परम पूज्य सनातन धर्म के मुख्य स्तंभ रूप में संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार करने वाले स्वामी जी पहले तो मैं श्री आगमानंद जी महाराज को एक छोटे सरोवर में
ठहरने वाले समझ रहा था, लेकिन अब तो इतने समुद्र में ये गोता लगाने के लिए निकल गए हैं, इनका आता पाता पाना भी मुश्किल है। ऐसे महान आज के इस क्षेत्र के लिए महान संत, और उतना ही नहीं सबों के ऊपर इनकी ममतामयी दयामयी दृष्टि बनी रहती है। ऐसे संत शिरोमणि हमारे आगमानंद जी महाराज और हमारे उपस्थित भागलपुर विश्वविद्यालय से आए हुए हमारे महान विद्वान गण, हमारे ज्येष्ठ भ्राता शिवशंकर भैया जी और अनेकानंद उपस्थित गण्यमान जन, मैं क्या बोलूं, ऐसी स्थिति मुझे बन मेरी बन गई है। मैं तो आया था कि केवल दर्शन करूंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन इनकी आत्मीय विभोर आत्मीयता में इतना ना रस भरा हुआ है कि चाह करके भी निकल नहीं पा रहा हूं, और मन गोता लगाने को तत्पर रहता है। ऐसे में इस संतों की वाणी को अगर हम आप श्रवण कर लेते हैं तो आज का पवित्र वातावरण, आपकी मानसिकता जो बिगड़ी हुई है वह संभल जाएगी। इसलिए आप अपनी मानसिकता को शुद्ध करें और संतों का दर्शन पूजन एवं इनका इनके कथा को सुने, यही सबसे बड़ी कामना है। और कहा गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रारंभ में मैंने कहा जब तक कि उनकी कृपा नहीं होती, जब तक राम की कृपा नहीं होती, तब तक संतों का मिलन नहीं हो सकता, दर्शन नहीं हो सकता, और जब तक संतों का दर्शन नहीं होगा तब तक सत्संग नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसी स्थिति रहती है। इसलिए मैं ना कोई वक्ता हूं और ना ही मुझे कुछ कहने के लिए आता है, जो मन में आया मेरे मन में मैं क्या कहूं। आज की स्थिति को देख करके कुछ अगर कलम से लिखना चाहूं तो लिख नहीं पाऊंगा, वह शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, मुख से बोलना बोलने के लिए शब्द नहीं है, हृदय इतना न अकथनीय बन गया, इतना न रस भर गया, जैसे गोपिकाओं को भगवान कृष्ण पाती दिए थे ना, गोपिकाओं को भगवान कृष्ण पाती दिए थे, चिट्ठी दिए थे उद्धव जी को देखने के लिए। उद्धव जी क्या किए, सादा कागज दे दिए, गोपिकाओं के पास सादा कागज दे दिए, और वो गोपिकाएं क्या की, एक एक टुकड़ा निकाल निकाल करके सब अपने अपने में बांट लिया, बांट करके। अब मैंने कहा पढ़ने के लिए, अभी तो उसको पढ़ने के उसमें यह क्षमता नहीं थी कि मैं क्या पढ़ूं, कन्हैया के विषय में क्या पढ़ूं। तो वो कन्हैया हम आपके बीच उपस्थित है और इनकी मधुर लीला मधुर वाणी श्रवण कीजिए, यही मेरा निवेदन है। अस्तु, मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।
और प्रभु का ये श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत सुंदर चर्चा हमारे पूज्यवान पंडित कृपा भाई जी कर रहे थे और निश्चित रूप से बहुत बहुत आनंद आया, याद आ गई बहुत पुरानी बातें, शास्त्र संबंध चर्चा आप करते रहे, कर्मकांड के आप महान विद्वान भी हैं और महंत वैदेश्वरन महाविद्यालय में आप सम्माननीय अध्यापक भी हैं। इनमें सब टेस्ट है, रस कदम बर्फी मोहन भोग राधा प्यारे बताता है ना, सब टेस्ट है, इमरती जिलेबी जितना प्रकार का है सब टेस्ट है। और रसपूर्ण भजन, भावपूर्ण भजन हृदय पर प्रभाव डालते हैं, हमारे सभी कलाकार उन भावों से अन्वित होकर के तो गाते ही हैं और सबों में अग्रज हैं हमारे भैया, निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में अनेक सूक्ष्म महात्माओं के वचन मंचों से जन का आनंद देते रहते हैं, बरसाते रहते हैं और इस पावन योगपीठ के कार्यक्रम में भी आप उपस्थित हैं। चूंकि हम इनसे कुछ ऐसा भजन का निवेदन नहीं करेंगे जो इनकी भावना इच्छा हो जाए, उस भजन का आनंद आप हम सबों को देंगे और प्रेम पूर्वक, और फिर हम लोग सब लोग उसमें पढ़ते चले जाएंगे। चिंता किसी को कुछ नहीं, नहीं चलेगा जोर, दीपक भैया का भजन होगा भोरम भोर, आनंद सब लोग लेंगे। सचमुच हमारे बीत रागे पर इतने सरल हैं, इनकी बीत रागी वाली बात हम लोग भूतला जाते हैं, कहाँ हैं, किस दुनिया में ये रहने वाले हैं, सब भूल बैठते हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य परम सरल हमारे स्वामी आगमानंद जी महाराज, और कितनी बड़ी बात है जब जब गुरुदेव का पदार्पण होता है इस क्षेत्र में तो स्वामी जी सबको गुरुदेव का दर्शन करा देते हैं, और याद रखिए गुरु के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है बहुत। और सभी संत और विद्वत समाज यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबको एक साथ प्रणाम निवेदित करते हैं। शिव शक्ति योग के जितने सिद्धस्थ कलाकार बैठे हुए हैं सबको हम प्रणाम निवेदित करते हैं, और जितने हमारे शिष्यगण हैं श्रोतागण हैं आप भी किसी से कम नहीं है, हम आपको भी प्रणाम निवेदित करते हैं। चलिए स्वामी जी ने जैसा कहा ये शरद पूर्णिमा, देखिए छह ऋतु है और हर दो महीना 12 महीना है, एक ऋतु में 2 महीना होता है आश्विन और कार्तिक, ये शरद ऋतु कहलाता है। तो इसी समय कृष्ण की बांसुरी वृंदावन में बजती है और महाराज का कार्यक्रम होता है, समयानुकूल वो भजन हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। लग रहा है कि हम लोग वृंदावन में ही बैठे हैं और वही यमुना का किनारा है जहाँ कन्हैया की रासलीला होती है, गोपियाँ पधारती हैं, भोले बाबा भी पधारते हैं, उसी का दर्शन उसी का आनंद हम लोग ले रहे हैं। कौन ठगोरी करी हरियाज बजाय के बांसुरिया रस धीनी, कान पड़ी जिनके जिनके कुल लाज विदा उनकी कर दे,
में घड़ी घड़ी नंद के द्वारे नबीनी कहाँ कहूँ बाल प्रवीणी या ब्रजमंडल में रस खान सो कौन भटू जो लट्टू महके। कन्हैया ने सबको नचा दिया, बड़े बड़े जोगी मुनि अरे भोले बाबा मत नाच पड़े। ये है कन्हैया के बांसुरी का कमाल। आज जब कन्हैया की बांसुरी जब रात्रि में बजी तो अचानक गोपी के कान में आवाज गई, कहा सखी लग रहा है कन्हैया की बांसुरी बज रही है। सखी भी सुन बाजत 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 बांसुरिया सखी सुन बाजत बांसुरिया बाजत बांसुरिया बाजत बांसुरिया बाजत बांसुरिया बाजत बांसुरिया बाजत बांसुरिया सखी सुन बाजत बांसुरिया। यमुना का किनारा और कन्हैया की बांसुरी बज रही है। हो निर्मल नीरे यमुना तीरे निर्मल नीरे निर्मल नीरे निर्मल नीरे यमुना तीरे गावत सांवरिया गावत सांवरिया सखी रे सुन बाजत बांसुरिया सखी रे सुन बाजत बांसुरिया। मुकुट निराला नयन विशाला मुकुट निराला नयन विशाला सखी
मोर मुकुट पहने हुए कन्हैया, सुंदर सुंदर मोहिनी आंखें और पैर में नूपुर पहने हुए कन्हैया नाच भी रहा। मुकुट निराला नयन पिसाला, चरणन चरणन सखी ने कहा, सखी कन्हैया नूपुर भी पहनता है, लगता है कन्हैया नाचता भी है। हाँ हाँ सखी, बहुत सुंदर नाचता है। वृंदावन की मन कुंज में, वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की हमारे ब्रह्मानंद जी कहते हैं, बड़े बड़े वीतरागी योगी मुनि कन्हैया की इस छवि को देखने के लिए महाराज ब्रज की गोपी बनकर आ गए, ब्रज की लता बनकर आ गए, ब्रज के वृक्ष बनकर आ गए कन्हैया के दर्शन के लिए। ब्रह्मानंद हरि मुख चंदा, ब्रह्मानंद हरि मुख चंदा, 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 ब्रह्मानंद हरि मुख चंदा। मुनि जन मुनि जन मन हरिया,
बहुत बहुत सुंदर चिंतानंद ले रहे थे राष्ट्र प्रसंग का। और तिथि भी आज की विशिष्ट है, कल तो शरद पूर्णिमा था, राष्ट्र भी था, ग्रहण भी था, जिसके संबंध में हमने कुछ निर्देश किया था। कल महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी थी, कल महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी थी, और शरद पूर्णिमा तो राष्ट्र पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध ही है। तात्पर्य है कि प्रेम संपूर्ण परिपाक लेकर के अपने संपूर्ण परिपाक के साथ जब घनीभूत होता है, जब एकाकार होता है, तदाकार होता है, तो वह प्रेम श्रेष्ठ प्रेम होता है। कल की तिथि में और सुमित हाँ भाई जी को जाकर टूटे बहुत अच्छा। तो तात्पर्य है कि राधा प्रेम भव्य प्रेम चिन्मय प्रेम प्रसिद्ध है, और उस दशा का वर्णन बड़ी मुश्किल है, और उधर जाना उसका स्वाद बताना कठिन होता है। और मुझे लगता है कि सब लोग उस स्वाद को जान रहे हैं। जब तक भगवत प्रेम भगवत निष्ठा नहीं है, तो इस किला के बिहार में चारों तरफ खेत पत्थर में इतनी इतनी देर आप लोग इतने इतने दूर से आकर के रहते हैं, बैठते हैं, खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, ये आनंद रसपर्शन होता है। लेकिन क्या जपना चाहिए ये आपको पता नहीं है। सुंदर सा भजन चल पूर्णिमा का लिया, कुछ क्षण में ही गुरुदेव का आगमन हो रहा है, और भगवान का क्या नाम जपना चाहिए हम आप भैया से सुनेंगे, आनंद लेंगे। एक छोटा बच्चा है, बैठ जाना है प्रोफेसर साहब थोड़ी थोड़ी देर है, उनको थोड़ी थोड़ी देर बिठा दो भैया। बहुत अच्छा, कोई ये बच्चा जरूर नानी की। शरद पूर्णिमा का समय है, कार्तिक महीने का समय है, ये महीना ही कृष्ण और राधा का महीना है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण है गोविंद जय राधा रमण है गोविंद जय गोविंद जय गोपाल लोग भी गाइए। हम गाते हैं, एक बार आप लोग भी गाइए तो आनंद आ जाएगा। ये मनुष्य शरीर मिला है, भगवान का नाम ले लीजिए, अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। ना जाने कब कौन यहाँ से विदा हो जाए, यही आपकी पूंजी है, कुछ साथ नहीं जाएगा, ये आपके साथ जाएगा। बहुत अच्छा, जो लोग नहीं जाएंगे हाथ उठा ले भैया फटाक से, जो लोग नहीं गाएंगे हाथ उठा ले। बड़ा फेरा है, इसी का नाम धोखा है। संसार में धोखा भी है, चोखा भी है, मोखा भी है, खोखा भी है, लोखा भी है, सब कुछ है भैया। धोखा नहीं खाना है, भजन का आनंद लीजिएगा तो धोखा नहीं।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय भैया इस नाम का कितना महत्व है भागवत में चर्चा है जब राजा बलि को तीन पग में सब कुछ ले लिया भगवान ने तो यज्ञ हो रहा था यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं तो भगवान ने शुक्राचार्य से कहा यज्ञ अगर पूरा नहीं होगा और सारे देवता को भाग नहीं मिलेगा और यज्ञ अपूर्ण होने के कारण यजमान को भी उसका पाप लग जाएगा और आप सारे पंडित को भी लगेगा तो शुक्राचार्य ने कहा जब यजमान ही नहीं रहे तो कहां से हवन की सामग्री आएगी कहां से घी आएगा तिल आएगा तो वामन भगवान ने क्या कहा पता है कहा कोई चिंता की बात नहीं न कोई हवन सामग्री की जरूरत कोई पूजन सामग्री की जरूरत नहीं है जितना दिन यज्ञ बचा है अब तो बलि पाताल में चले गए उतने दिन तक केवल नाम संकीर्तन कर लीजिए यज्ञ पूरा हो जाएगा ये नाम संकीर्तन का प्रभाव है गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बहुत सुंदर चर्चा भैया कर रहे थे कि यज्ञ आदि जो होता है उसके बदले नाम कीर्तन हो जाए तो यज्ञ पूरा हो इसलिए तो भगवान ने श्री गीता जी में कहा है जग्या नाम जप यज्ञोस्तु समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं अश्वमेधादि सारे के सारे यज्ञ ब्रह्म विष्णु यज्ञ रुद्र यज्ञ सारे यज्ञ होते हैं सारे यज्ञ सत्य हैं धर्मकांड के आधार पर लेकिन भगवान क्या कहते यज्ञ नाम जप यज्ञोस्तु सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ होता है उसमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं मन का केवल विनियोग करें मन से लें बोल करके लें तो और अच्छा दूसरे भी सुनेंगे वातावरण शुद्ध होगा बहुत अच्छा भैया गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
जब हमारे द्रौपदी की के चीर हरण का वो दुष्चक्र चल रहा था, दुशासन साड़ी खींच रहा था, केश पकड़ के खींच कर लाया, कोई बचाने वाला नहीं हुआ, तो बड़ा सुंदर श्लोक है। तब कोई सहारा नहीं मिला तो द्रौपदी ने भगवान को नाम लेकर पुकारा। अग्रे कुरुनाम अग्रे कुरुनाम मठ पांडवा दुशासने ना हित मत के सा कृष्णा तदा क्रोश तनन्य नाथा हे कृष्णा तदा क्रोश तनन्य नाथा गोविंद नामो धर्माधे गोविंद नामो धर्माधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बहुत अच्छा गोपाल नाम लेते चले जाएंगे भैया मस्ती के साथ मुझ गुरुदेव का आगमन मंत्र हो रहा है और थोड़ा थोड़ा बार भैया भजन का आरंभ लेते चले जाएंगे इस तरह गोपाल जय जय गोविंद जय जय 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 गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहार लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय। बहुत सुंदर वचन हमारे दीपक भैया से श्रवण कर रहे थे और सब लोग हम जान रहे हैं कि बहुत बहुत देर से खड़े भी हैं आशीर्वाद लेकर के निकलने के लिए क्योंकि दूर दराज भी जाना है कहीं कहीं जिले और अब बहुत जल्दी कुछ कुछ लोगों को छोड़ देंगे जो लोग रहेंगे आनंद लेते चले जाएंगे। चलिए गुरुदेव के मुखारवंद से कुछ अमृत वर्षा का हम आप श्रवण करेंगे। यही निवेदन हम प्रपूज्य सद्गुरुदेव भगवान से करेंगे। और
फिर सब लोग सब चित होकर के श्रवण भी करेंगे, वचन का आनंद लेंगे, फिर निर्देश कर देंगे कि करके सब लोग शुरुआत में देवी चले जाएंगे और आनंद लेते चले जाएंगे जब तक भगवान की इच्छा कृपा होगी। लक्ष्मी नाथ समारंभ नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। आ श्रीवानाद्रि मुनिन्द्र पाद जलज गंगाजल श्रीरामानुज पाद पंकज दया सनलघ मंत्र त्रयम् श्रीमद्भव्य सुदर्शन कमला तस्य सेवारतन वात्सल्यादि गुणाम्बुरासि मनघम सर्वस्वतंत्र स्वतंत्र पदवाक्य प्रमाण पारावार धुरी भगवत भागवत कैंकर्य निरत श्री वैष्णव कुल कमल दिवाकर सर्वशास्त्र निष्णात उत्तर तोताद्रि पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरण नित्य वंदने सम्यक रूपेण अर्च सम्यक रूपेण अर्चनी श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पावन पादारविंद में दास का अनंतानंत कोटि साष्टांग प्रणति निवेदित है। तत्पश्चात अपने इस परम पावन शाश्वत सत्य सनातन धर्म संस्कृति के पावन देश में उसके बिहार पावन प्रांत में भागलपुर जिला नवगछिया अनुमंडल के अंतर्गत समस्त भक्तजनों के द्वारा स्थापित पावन शिव शक्ति योग पीठ में गुरु प्रभु इच्छा से अनायास आयोजित एक सौ दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में हमारे समक्ष उपस्थित हमारे योगपीठ के सभी अधिकारी के साथ सभी मनीषीगण विद्वानगण आचार्यगण कलाकार बंधुजन और उपस्थित सभी हमारे सत्संग प्रेमीजन भाई बंधुजन और हमारी माताएं बहने सच पूछा जाए तो भगवान की कृपा लगभग 5 साल इस योगपीठ निर्माण के हुए और ये निर्माण नहीं हुआ
अर्थात कार्य व्यवस्था को रूपायित करने के लिए जो चीज भक्तों के द्वारा है, इन 5 साल में मुझे लगता है कि 500 सत्संग हो गए हैं। प्रति माह प्रति वर्ष कई कई सत्संग भजन होते ही रहते हैं और यह होता है इसलिए कि सभी श्रद्धालु श्रोता जन अपनी उपस्थिति सवेरे से दर्ज करा करके देर तक रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं दूर दराज, पता नहीं इतने क्षण में कि दरस परस गुरुदेव का हो जाए, 2-4 शब्द भजन के विद्वानों के मिल जाए, इसको सुनने के लिए आते रहते। ये जान रहे हैं कि मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया के जगत में है, ये घर बैठे भी लाइव देख सकते हैं, यूट्यूब में सब देख सकते हैं, लेकिन सच पूछा जाए सारी दुनिया अभी ऑनलाइन है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध जो है, यथार्थ सत्संग जो है, वह अभी भी ऑफलाइन से है। विज्ञान कितना भी विकसित कर ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन सकी, ना कभी भविष्य में बनेगी, इस ऑफलाइन को मिटा करके ऑनलाइन से सारा काम। अभी हम आप मार्केटिंग इधर उधर सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे, थोड़ा देर रुक जाना हो गया, हम बोल देंगे ठीक है, बहुत अच्छी। तीसरी बात, विज्ञान विकसित हुआ, हम आप चांद पर चंद्रयान चला गया कई कई देशों में, वहां से भी अपने भारत की तरफ से सूर्य पर जाने की तैयारी हो रही है, मंगल पर तैयारी हो रही है, लेकिन हमारा भारत का विज्ञान कितना श्रेष्ठ था कि युग सहस्र जो जन पर भानु निलियोता ही मधुर फल जानू, बिना कोई कंट्रोल के हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं सूर्य के पास, निगल जाते हैं, अभी जो चीज जाएगा जल जाएगा भस्म हो जाएगा तुरंत, ये क्षमता हमारा पूरा का पूरा आज का विज्ञान पंगु है, अभी भी कमजोर है। हमारे भारत का अध्यात्म विज्ञान जहां तक पहुंच चुका है वहां मुश्किल। एक बात बताइए, अभी दुनिया में सबसे अमीर देश कौन है? अमेरिका। सबसे बलवान रूस लोग मान रहे हैं, पूरे दुनिया में कितनी जनसंख्या है कोई देश हमको बता दे, आदमी का नहीं भैया, सारी जीव जंतु का हम पूछ रहे हैं, अमेरिका के भी लोगों को, फ्रांस इंग्लैंड जर्मनी रूस बता दे कि चींटी पिपली मच्छर मछली सब मिला करके, बनी जल जीव जंतु मिला करके कितनी संख्या, आज तक कोई सरकार रिकॉर्ड नहीं कर सका, ना मालूम है गिनती, ना कभी कर सके, आदमी की गिनती हो रही है, सब लोग चिंतित हैं कि 40 करोड़ से 140 करोड़ भारत की आबादी हो गई, अन्न कहां से आएगा, पोषण कौन करेगा, ये चिंता हो रही है। मछली की चिंता नहीं है, कौन उसका पोषण समुद्र में करेगा, चींटियों की चिंता नहीं, मनुष्य की, लेकिन मनुष्य की भी चिंता तो उनको है ना जिन्होंने बनाई, और मनुष्य की चिंता सद्गुरुदेव भगवान के ऊपर होती, सारी सुख सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी, निश्चित रूप से चिंता नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अधिक लाइन पंक्ति में नहीं भागूंगा,
कोई गौ है जो ब्याई हुई नहीं, किसी बच्चे को भेजिए दूध देने मिलेगा नहीं। वही गौ जब बच्चा देती है तो दूध चला, चूंकि वो बच्चा कुछ खाएगा नहीं, चाहे गौ का हो मनुष्य का हो। भगवान संसार में भेजने से पहले उसकी व्यवस्था कर देते हैं, इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। जब दातन थे तब दूध दिए, जब दूध दिए तो अन्न भी दे। संतों की पंक्ति है, हमारी नहीं, आचार्य जनों की, आचार्य चरण की ये पंक्ति है, तो इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। और मैं विज्ञान क्या कर रहा था और सारी बातें ना कह करके, आधुनिक विज्ञान में सुख भी है सुविधा भी है, लेकिन हमारे आपके संस्कार को कहीं यह दूर करता जा रहा है। यह पाश्चात्य देश के लोगों की बहुत सारी साजिशें भी हैं जो हमारे चरित्र को व्यवहार को नष्ट भ्रष्ट भी कर रहा है, संस्कृति को हमारे सनातन को, इसलिए ये विकार भी। उससे बचने के लिए, उन प्रहारों से बचने के लिए, ये सनातन पर प्रहार हजार वर्षों का नहीं है, पृथ्वीराज चंद्रवरदाई के समय से तो है, उससे पहले से प्रहार चल रहा है निश्चित रूप से। जो भगवान को नहीं माना कि भगवान नहीं है, कुछ लोग हैं जो अपने को देखते हैं, कुछ दूसरे को देखते हैं, कुछ लोग अपने को भी देखते दूसरे को भी देखते हैं, कुछ लोग ना अपने को देखते हैं ना दूसरे को देखते हैं, कुछ लोग अपने को पढ़ते दूसरे को नहीं पढ़ते, कुछ लोग दूसरे को पढ़ते हैं अपने को नहीं पढ़ते, कुछ अपने को पढ़ते हैं दूसरे को नहीं पढ़ते, कुछ लोग हैं जो दोनों में किसी ना अपने को पढ़ते ना दूसरे को, कुछ लोग होते हैं जो अपने को भी पढ़ते हैं दूसरे को भी पढ़ते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव होते हैं जो अपने अंतरंग चिंतन के द्वारा हर व्यक्ति के मनोमस्तिष्क को पढ़ते जानते और दिशा दर्शन करते हैं। आज भारतवर्ष में गुरुओं की भरमार है, चार दिन पांच दिन महीना दो महीना साल भर कथा हुई और गुरु बन जाते हैं, दीक्षा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन दीक्षा का अधिकार किसको है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं, क्या शास्त्री जी है ना, बहुत कम लोगों को। ऐसे भी बहुत सारे संत हमारे भारतवर्ष में हैं जिनके गुरु ही नहीं है, मुझे टोटल नाम लिस्ट याद है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, जिनके गुरु ही नहीं और वो दीक्षा दे रहे हैं। ऐसे लोग प्रमाण है शास्त्रों में, कौन गुरु होना चाहिए, किनके द्वारा दीक्षा होनी चाहिए, सारे के सारे चीज। चलिए हम आप आनंद लेंगे, कभी तात्पर्य है परंपरा से प्राप्त सनातन धर्म के अनुसार, वर्तमान वेदांत दर्शन के अनुसार छह प्रधान शाखाएं चली है आचार्य परंपरा की। उन परंपराओं में भाव दृष्टि से आज भी हमारे भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य की परंपरा अतिशय सबल प्रबल है। आज तो लोग सोचते हैं उन्होंने भगवान के नाम का दान सबके लिए घोषित कर दिया था, जो द्वंद द्वेष कटुताएं थी वो सबके लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें उठाते हैं आज कि भारतवर्ष में एकाएक आ गया एक चीज मन में, आज हमारे टोटल शासन सत्ता पर बैठे सारे लोग दोष देते हैं कि जातिवाद महात्माओं की बनाई हुई है, गुणवादियों की। और सच बतावे कि अभी किसी से कोई जाति पूछकर इंट्री हुआ है क्या योग पीठ में? नहीं, किसी भी धर्म सभा में नहीं। और आदिकाल से ये सारा का सारा विवाद उन्हीं लोगों का,
आज 220 छात्रों की गिनती हो गई। वस्तुतः हमारा आपका धर्म समाज व्यवस्था कभी नहीं चाहता, जो हम आप देखते सुनते हैं या चर्चा आती है, हमारा धर्म कभी नहीं कहता कि सब लड़े झगड़े भिड़े किसी दूसरे को नीचा दिखावे, छोटा दिखावे, बड़ा दिखावे, कहीं नहीं। सभी मनुष्य युगांतर परंपरा में गर्भाधार पर भिन्न भिन्न बात चाहे भी और सारी चर्चाएं, ये एक ऐसा स्पेशल विषय है कि जिस पर भारत के समस्त संतों महात्माओं को एक महीना का कार्यक्रम रखना है। हमको आपको जनता को सबको मिलजुल करके कि सच को बताया जाए, दिखाया जाए। आज सर्टिफिकेट किसी मठ मंदिर से नहीं मिलते, सर्टिफिकेट क्या पत्रकार महोदय ध्यान दीजिएगा, किसी मठ मंदिर से नहीं कि तुम ये जाति के हो, तुम अमुक चीज हो, कोई संत नहीं। ये सरकार की व्यवस्था है, यानी समाज को क्षेत्र को बांटने का कार्य वहां से होता है। और दो श्लोक दिया करते हैं शास्त्रों पर, संतों पर, इसलिए पता नहीं कौन सा किरण चरण से अभी प्राप्त हुआ तो नहीं बोलना चाहिए। इन सारी चीजों को कुम रखते हैं, बचा करके रखते हैं, कहीं कुछ ऐसी बातें ना निकल जाए, बोल ना बिगड़ जाए, खेल गड़बड़ हो जाए, है ना। बहुत सारे लोग घूमने लगे, सिक्योरिटी हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन इन संतों की जीवनी तो मुक्त है। चलिए यथार्थ सत्य को आज गुरुदेव की कृपा से कुछ कुछ चीजें आ गई मैंने रखा। हम आप जितने मनुष्य सभी परमात्मा की संतान है, भगवान की संतान है, और भगवान के सिवा संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान की प्राप्ति का रास्ता संत सदगुरु ही बता सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। इसलिए हमको आपको सबको संत सदगुरु के शरण में जा करके भगवान का के पावन नाम का रस लेना चाहिए, उनकी शरणागति में आचार्य चरण की कृपा हो जाए तो सब मिल जाता है। आज के इस पावन कार्यक्रम में हम आप आनंद लेंगे, मुझे खुशी होती है प्रभु जी गुरुदेव से तो समस्त योगपीठ के साथ क्षेत्र के सभी लोग बार बार आग्रह करते, निवेदन करते, प्रार्थना करते, विनती करते हैं, किसी प्रकार कृपा सबों पर बरसती रहे, जो कि सत्य मार्ग को हम आप नहीं छोड़े, न भूले न भटके, और साथ ही साथ हम सबों को मार्ग निर्देशन होता चाह, चूंकि संत दर्श को चाहिए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कौटिल्य के समान होता है। इसलिए क्या हम आप शरणागति में ले लें, किस रूप में कहते हैं, कदा माया पारे विसद दिर जा पार सरसी परे श्री बैकुंठे परम रुचि रे हे मन गरे महारम्ये हर में मणिमय महामंडप वरे समासीनम से तब चरण तप परिचरे यू चरण यो वही चरणारविंद की आशा हम आप चाहते हैं। दो बार मेरे साथ कुछ कुछ गुनगुना लेंगे, फिर हम आप गुरुचरण से वचन का आनंद लेते हुए सारे के सारे चीजों का आनंद फिर आप लेंगे।
गुरु जी की कृपा से ये चीज अनायास रात्रि में बन गई है। केवल बचाएंगे, केवल गायन कर दूंगा और ग्रंथ में एक शब्द बोल देंगे, अधिक ना करके। ये श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानंद स्वामी जी के प्रति संस्कृत में वचन है। ये दास तो कुछ नहीं जानता, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं, आचार्य चरण कृपा से और हमारे शास्त्री जी को जब कभी कभी देखते हैं तो कुछ कुछ याद आता है। श्री 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 भक्तम चरणानुरक्तम यति राज रामा नुज नाम धेयम। श्री शिष्य भक्तम चरणानुरक्तम यति राज रामा नुज नाम धेयम। कारुण्य शीलम दयाम्भोतिरूपम रामानुजम पाद युगलम नमामि। कांत्यात्मजम श्री केशवार्य तनयम महापूर्ण गोष्ठी पूर्ण शैल पूर्णम। श्री कांचीपूर्णम मालाधरम तम पंचार्य शिष्यम सदा हम नमामि। काषाय वस्त्रम तिलक उर्व पुंगम कमंडल धृतम ब्रह्म सूत्रम सदीप्यम शेषावतारम यामुन प्रियम तम श्री भाष्यकारम भजामि नमामि। जीवार्थ कल्याण कार्येषु निरतम सर्वार्थ मूला साक्षरद्वयं च चरम मंत्र श्लोकम प्रेयम च श्रेयम प्रदायक मुनीन्द्रम यतीन्द्रम जपामि। परम वैष्णवानां श्रेण्यं वरेण्यम् परम वैष्णवानां श्रेण्यं वरेण्यम् धराचार्यवर्यं खिल लोकवन्द्यम् सदानंत चरना श्रितो हम शरण्यम सदानंत चरना श्रितो हम शरण्यम दासानुदास राम प्रपन्न स्मरामि। श्री श्री सुभक्तम शरणानुरक्तम यति राज रामा नुज नाम धेयम्। श्री श्री सुभक्तम चरणानुरक्तम श्री श्री सुभक्तम चरणानुरक्तम यति राज रामानुज भाग देयम्। श्री श्री सुभक्तम चरणानुरक्तम यति राज रामानुज भाग
श्री भाष्यकार भगवान की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सारे क्षमा याचना करते हुए हम चाहेंगे कुछ कुछ देव के मुख से कुछ कुछ आनंद रस लेंगे। हमारे सबसे पहले स्वामी श्री प्रेमानंद जी भाई जी आएंगे और हमारे श्री मत्स्यगर से दो आदमी आएंगे, अकेला नहीं होगा, दो आदमी उधर से। और हमारे श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह जी मास्टर भी चले आएंगे इधर ही। और हमारे भाई जी ये अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत अच्छा। हमारे मास्टर माल्यार्पण करेंगे। चलिए हमारे डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा जी हैं, आप माल्यार्पण करेंगे। और हमारे सारे लोग हम जान रहे हैं कि अपने कार्य से सब लोग हैं, हमारे प्रसाद है जी। आप फिर संस्मृति नहीं जीते हम बताएंगे। और हमारे डॉक्टर असीम दास जी हैं, चले आएंगे। माल्यार्पण करेंगे घर से। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से उद्गार क्रम में हम आप माल्यार्पण भी करते चले जाएं कि आनंद लेंगे। और से सभी लोगों की ओर से मैं जान रहा हूं कि माल्यार्पण के लिए बहुत सारे लोग हैं। दो नाम है, एक अशोक जी माला, चले आइए गुरुचरण में निवेदित कीजिए। और एक हमारे भूपलाल सिंह जी हैं जो अंगवस्त्र लाए हैं गुरुचरणों में निवेदन के लिए। और से सबों की ओर से मैं एक पुष्प कण अर्पित कर रहा हूं। और निश्चित रूप से सभी लोगों की ओर से सबकी भावना इच्छाओं का सम्मान करते हुए बहुत अच्छा। और हमारे अशोक बाबू दीपक भैया को माल्यार्पण करके आशीर्वाद मांग रहे हैं, बहुत अच्छा। और बहुत बहुत आनंद आ रहा है। साथ ही साथ हमारे भूपलाल बाबू अपने वस्त्र अर्पित कर रहे हैं गुरु जी के प्रति। जी जी ऊपर सब चले आइए। चलिए देखिए, गुरुदेव के साथ रहने से कितना फायदा होता है, तब नहीं बचवा मस्त रहता है बिल्कुल।
एक कण से एक बिंदु से सचमुच आनंद लेंगे। अब अधिक समय न ला करके इसको ओमलिया कोई सिट आकर के हरिहर की परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवास भगवते श्री सीताराम चंद्र भगवते अनंत गुणशाली रे अनंत बल पराक्रम संत हनुमंत महान शिवाय नमो स्मदाचार्य परंपराभ्यो नमो नमो भागवत प्रजेभ्य नमो स्मदाचार्य परंपराभ्यो नमो नमो भागवत प्रजेभ्य नमो नमो नन्द मुखामरेभ्यो नमो नमो नन्द मुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोस्तु नमः श्रियै श्रीपतये नमोस्तु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नमः वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः 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 इतनी कृपा तावरे इतनी कृपा सावरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा सावरे बनाए रखना मरते
बचे दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा बाबा, 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 तू राजी मैं राजी, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम से लिख दी मन में, तेरे नाम की लिख दी मैंने, इस जीवन की बाजी बाबा, इस जीवन की बाजी लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सांवरे। और कहीं ना लागे मेरे प्रेमियों में मन लगता, और कहीं ना लागे मेरे प्रेमियों में मन लगता, और कहीं ना लागे मेरे प्रेमियों में मन लगता, और कहीं ना लागे तेरे दरबार के आगे बाबा सबकी काशा लागे, भीतर बाहर बाबा सबकी आशा लागे, तेरे दरबार के आगे बाबा सब भी काशा लागे, तेरे दरबार आगे बाबा सब भी काशा लागे, तेरे द्वार के आगे बाबा सब भी काशा लागे, तेरे द्वार के आगे बाबा सब भी काशा लागे, भजनों भूख को भजनों की इस भूख को जगाए रखना, जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में
लगाए रखना, सावरे बनाए रखना, मर के दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मर के दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना मुझको भूल न जाना, हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना मुझको भूल न जाना, हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना मुझको भूल न जाना, तेरे दर से लगा रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे लगा रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे लगा रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे लगा रहे बस मेरा आना जाना, दिन से दिन ये सिलसिला हो, दिन से दिन ये सिलसिला चलाए रखना, चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, गोपाल कृष्ण भगवान जय, भक्तवत्सल भगवान जय, विद्वत समाज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तमयी स्नेहमयी करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं बहनों की जय, श्री शक्ति योगपीठ के आनंद परिवार की जय, आज के सत्संग की जय। इसलिए ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वांतर जानी सच्चिदानंद स्वरूप अकारण कर्मावरण वाले भक्तिवान साकल्प करु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल है प्रत्यनीक अब आपको समस्त काम समस्त कल्याण गुणेक तान भगवान
श्री रामचंद्र प्रभु, श्री बालकृष्ण प्रभु, आंजनेय स्वामी हनुमंत लाल महाप्रभु स्वामी सेवासी, जैसा कि आप सभी प्रातःकाल से ही इस सिलसिले में शिव शक्ति योग पीठ के प्रांगण में अपना अमूल्य समय निकाल कर इस परिसर को अलंकृत कर रहे हैं, जानते हैं आपका समय कीमती है, समय सबका कीमती होता है, निरर्थक समय न जाए, समय तो जाता ही रहता है। सुनने लायक बहुत सी चीजें हैं, कुद्रिया हृदय नक्तम देवाय निचवा वया है, दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भाई। कहा जाता है समाज के प्रतिनिधि होकर प्रत्येक प्राणियों के ऊपर जो नाचने वाला मृत्यु है सर पर विराजमान है, और वो राम नाम सत्य की तरह सब पर आबी है, उससे कोई बचा नहीं। जन्म और मृत्यु, हानि लाल, सुख दुख, हानि लाभ सुख दुख सब भोगा, जन्म मरण प्रिय मिलन भी होगा, काल कर्म का सब एक सही बरबस रात दिवस की नहीं। तो रात और दिन की तरह काल और कर्म के वसीभूत सारे संबंध चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते रहे हैं। इसका नियंता, नियामक, सृजनहार, पालनहार, संघर्षकर्ता, संहारकर्ता एक ही है, जो सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है, लेकिन वो स्वतंत्र है और हम सब परतंत्र हैं। परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री बनता है। मानस के समृद्धमय मंत्र के द्वारा हम सबों को यह ज्ञान दिया जा रहा है, दिया जा रहा था और दिया जाता रहेगा, लेकिन हम सभी प्रभु की माया के वश में रहकर वास्तविकता को नहीं पहचान पाकर जो असार है उसके पीछे दौड़ते हैं और सार को छोड़ देते हैं। लेकिन संत ऐसे हैं कि सार सार गही रहे थोड़ा देव गाय, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहा, सुख माताएं बहने चलाती हैं, भूसी उड़ा देती हैं, जो तत्व है उसे निकाल लेती हैं। तो सबसे बड़ी संत तो माताएं बहने ये जनाती है अपनी सेवा के द्वारा। ऐसे ही संसार है, सार सार को पकड़ो बाकी सब उड़ा दो, कौन क्या कहता है कहने पर मत जाओ। आप कितना समर्थ हैं क्या कर सकने में ये आपको पता है, आपको याद दिलाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं जो आपके पास ना हो, और जो आपके पास नहीं है वो कहीं नहीं, और जो आपके पास है वही सब जगह है। तब संत क्या करते हैं, आपको जगाते हैं, याद दिलाते हैं कि भाई ये समय भाग रहा है, इसका लंघन नहीं हो सकता। कालो न आता वयमेव जाता, समय अपने आप समय पर आता जाता है, वो आता ही रहे, उसकी समाप्ति नहीं होगी।
जिस तरह इसुक्षया निवर्तन्ते नाम तरिक्षितिक्षयात, अगर कोई बाण चलाता है धरती के ऊपर से आकाश की तरफ तो आकाश का अंत नहीं लगा पाता, इतना है आकाश, मैंने नाप लिया और लौट आता है बाण। ऐसे ही मतिक्षया निवर्तन्ते न गोविंद गुणक्षयात, हमारी मति बुद्धि कमजोर है, कम है, हम जितना भी नाम ले लें तब भी भगवान के नाम समाप्त नहीं होंगे, उनकी महिमा समाप्त नहीं होगी, ना हम उनका अंत कर पाएंगे। तब तो हमें जो हमारे सदगुरु आचार्य संत बताते हैं, क्यों? क्योंकि वे स्वयं आचरण करते हैं, आचरण करके जप करके उसका फल आपको देते हैं, क्योंकि बाजार में पुस्तकों में सारे मंत्र तंत्र सब लिखे हैं, आप पुस्तक मंगाओ पढ़ो लेकिन उससे आप फल नहीं प्राप्त कर पाओगे। बहुत से लोग ऐसे हैं तंत्र सिद्धि करके करते करते फेल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन कोई साधक जब आचार्य की सन्निधि में, सदगुरु की सन्निधि में, जिसने उस रास्ते को अपनाया है, जिसने दुर्मुखता को दूर किया है, जिसने बरसात में भीगा है, ठंडक में चिचुरा है, गर्मी में तपा है, ऐसे भीगे चिचुरे तपे तपाए जो संतजन है, साधक हैं, जब उनका कोई साथ पा जाता है तब वो भी निकल जाता है। लेकिन स्वयं में, जैसा कि भी हमारे आगम जी कह रहे थे, स्वयं में बिना किसी गुरु को बनाए स्वयं आचार्य हो गए, स्वयं गुरु हो गए। याद रखिए, भगवान किसी के गुरु नहीं होते, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं है। भगवान किसी के गुरु नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने किसी गुरु नहीं दिया। हाँ, जब अवतार लेते हैं तब वो आते हैं और तब माता पिता भी बनते हैं उनके और गुरु भी बनते हैं, वशिष्ठ जी गुरु ही तो थे। तो उस असीम का, अनंत का, अच्छेद और अभेद का पार कौन बताता है, रास्ता कौन बताता है? सदगुरु बताता है। इसलिए हमारे संतों का आज भी महत्व है। वाकई जो संत हैं उसी के सहारे और भी संतों का ताना बाना बनाकर काम चला जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती है। चले आओ, घुस जाओ। अयोध्या में हमारे बहुत से ऐसे साधु महात्मा संत हैं, पता नहीं चलता, जब उनका कारनामा उजागर होता है कहीं ना कहीं स्वभाव बस कुछ गलतियां कर देते हैं तो वो पकड़ में आते हैं, तब पता चलता है ये तो पतली था, ये तो बस नंबरी चोर था। बहरहाल, जब तक उनका कालनेम जी में रावण राहु उग्र अंकन हुए नहीं बाहु, तो हमें किसी की त्रुटि नहीं देखनी है। अन्य संप्रदायों में त्रुटि देखा जाता है, जैसे जैसे जैन संप्रदाय है, तो उसमें अगर कोई रास्ते में भूखा प्यासा पड़ा है या घायल पड़ा है उसको पानी नहीं पिलाता, क्यों? तो जाने किसी का हत्या करके या किसी की हत्या करके आया हो तो हम तो इसको और बढ़ावा दे देंगे, किसे को मारेगा, किसे को मारेगा? जिसको हम नहीं जानते हम उसकी सेवा ना करें, उसका पोषण ना करें। अज्ञात कुलसीदस्य वासो देवो न कस्यचित्, उसका कुलसी अज्ञात है, हम जानते नहीं, पता नहीं तो पाते कहां का है कैसा है। जैसे अपने कन्या देना है तो कितना खोजबीन करते हैं, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो बेटियां बहुत दुख पड़ती हैं, कुछ बेटियां स्वयं में
अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, बाद में दुख पाते हैं, तब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अस्तु हमारे संरक्षक, हमारे माता पिता, हमारे सदगुरु जो रास्ता बताएं, शिक्षा दे, उसे हमें प्राप्त करना चाहिए और उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। भगवान भी अवतार लेकर सदगुरु के पास जाते हैं। भगवान श्री राम का नामकरण गुरु जी ने कराया, जनेऊ संस्कार गुरु जी ने कराया, शिक्षा गुरु जी ने दी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब आए तो सांदीपनी गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, 64 दिनों में 64 कलाओं को स्वीकार कर लिया। और वहां परशुराम जी आए, उन्होंने कहा कृष्ण हमें आपने बुलाया है, हम इसलिए आए हैं, आज आप शिक्षा समाप्त करके और मथुरा जा रहे हो ना, तो हमें प्रेरणा आपसे मिली है और हम अब आपके पास आए हैं। माखन बहुत खा लिया, रास रचाई, लीला की, अब तो कुछ और करना है, आपका उत्तर चरित्र प्रारंभ होना है। हम आपको आयुध शस्त्रास्त्र के ग्राम को, समूह को अर्पित करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो राम जी ने उनको अस्त्र शस्त्र समर्पित किया और तब उन्होंने पुनर्दत्त जो गुरुदेव के पुत्र थे, एक ही थे, समुद्र में स्नान करने गया, वह लौटा नहीं। तो गुरुदेव से प्रणाम करके जब भगवान जाने लगे, भगवान के मन में आया कि बिना दक्षिणा दिए विद्या हमारी या किसी की भी सफल नहीं होगी। किसी भी प्रसंग में ली, चाहे कथा श्रवण करें, चाहे विद्या अध्ययन करें या दर्शन करने जाएं, राजा के यहां जाएं, तो रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फ्री चीज जो है, मुफ्त में आई हुई, टिकती नहीं। मेहनत से पूंजी लगाकर जब कोई उद्योग किया जाता है, जब कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है, चाहे वो कानों के द्वारा सुना जाए, हाथों के द्वारा उसे संपन्न किया जाए, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा, हाथों के द्वारा, ये हमारे कार्य क्षेत्र के आधार है। हम सुनकर काम करते हैं, देखकर काम करते हैं, बोलकर काम करते हैं, हाथों से करते हैं, करना हाथ को ही है, लेकिन उन्हें इशारा करता है हमारा मस्तिष्क। तो भाई मेरे, गुरुदेव ने कहा बेटा हमारी दक्षिणा यही है कि जो तुमने पढ़ाया उसका विस्तार हो, प्रचार प्रसार हो। बोले नहीं, कुछ तो आपको लेना होगा। बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब गुरु माता से मिले, गुरु माता से पूछे मां मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूं, जो आप आज्ञा करो मैं आपको सेवा करने के लिए तत्पर। रोने लगे, कन्हैया मैं तुमसे क्या कहूं, जो मैं कहना चाहती हूं संभव नहीं है। तो जो संभव नहीं है, हम तुम्हें ऊहापोह में, असमंजस में क्यों डाला, हमारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं मिला, तो बेटा हम तुम्हें अपने दुख को सुनाकर तुम्हें दुखी क्यों करें। नहीं बेटा, तुमसे नहीं होगा, ये होने वाला नहीं है, क्योंकि मरकर आजकल आजकल आज तक कोई वापस नहीं आया। अपवाद बस कोई मरघट पर भी जीवित हो जाता है, अपवाद है, लेकिन वो भी घर से जब ले जाया जाता है तब
वो तो गया आया ही नहीं, न जाने कहां गया, तो मैं नहीं कहूंगी। भगवान ने कहा, मां मैं जब तक तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर लूंगा तब तक मैं जा नहीं सकता, जिद कर लूंगा। तब उन्होंने अपने पुत्र के विषय में कहा, समुद्र में स्नान करने गया था, न जाने क्या हुआ वापस नहीं आया। भगवान ने कहा मैं लाऊंगा। समुद्र के पास आवाज दी, समुद्र ने कहा मेरे पास नहीं है, एक दानव राक्षस हमारे अंदर रहता है, नाम पंचजन है, शायद उसने खा लिया है, क्योंकि वो प्राय ऐसा करता है। भगवान ने प्रवेश किया समुद्र में, युद्ध किया दानव से, संहार किया उसका, शंख तो मिला, पंचजन लेकिन गुरुपुत्र नहीं मिला। तो समुद्र से फिर कहा तो नहीं है इसके अंदर, कहां गया, बोले फिर जहां सारे जीव जाते हैं वहां होगा। भगवान संजमनीपुरी पहुंचे, सदेह जा रहे थे दो बच्चे श्री कृष्ण और बलराम। द्वारपालों ने देखा ये कैसे बच्चे आ रहे हैं, यहां तो बिना कोई शरीर छोड़े आता ही नहीं है, खाली प्राण वायु आती है, ज्योति आती है, ये तो शरीरधारी आ रहे हैं, लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, इधर मत आओ, यही मार दिए जाओगे। ठाकुर जी ने कहा हम आगे न जाएं तो बुलाओ अपने राजा को, राजा आएगा, हमारे जमराज आएंगे। फिर भी गया द्वारपाल, बोला दो बच्चे आए हैं मृत लोग से और वे आपसे मिलना चाहते हैं, वो अंदर आना चाहते हैं। बहुत नाराज हुए जमराज, हैं ऐसी अद्भुत बात है, कालदंड को भेज दिया। कालदंड आया, परिक्रमा की, लौट गया, भयभीत हुआ जमराज, और तब ठाकुर शंख बजाए, ठाकुर जी ने शंख बजने से संजमनीपुरी हिलने लगी, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, हालते कांपते जमराज दिखाई पड़ते, कौन हो कौन हो। प्रभु ने कहा अभी तुमको पता नहीं चला मैं कौन हूं, क्या काम है, यहां कैसे आ गए। बोले हम आए हैं सांदीपनी, हमारे गुरुदेव हैं, विद्या गुरु हैं, उनके मृत पुत्र को लेने आए हैं। जमराज ने कहा पुत्र हम कहां से देंगे, ज्योति आती है और ज्योतियां विलीन हो जाती हैं, हम कहां खोजेंगे। कहा फिर भी तो ज्योति को वापस करो, जमराज ने ज्योति को वापस किया, ठाकुर जी ने अपने हथेली में लिया और उस ज्योति को ठाकुर जी ने लाकर, ज्योति नहीं पूरे पुत्र को ही उसके करण कलेवर को युक्त कर दिया, उसे पुनर्दत्त नाम था, पुनर्दत्त वापस दिया हुआ, पुनर्दत्त आ गया, पुनर्दत्त आ गया। बच्चों ने देखते ही कौतूहल बस गुरुदेव के पास जाकर, गुरु जी पुनर्दत्त आ गया, गुरु माता गुरुपुत्र को सुखी किया, प्रभु अवतार। तो भगवान भी सदगुरु को स्वीकार करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और गुरु और शिष्य की परंपरा कायम करते हैं, निश्चित करते हैं, क्योंकि सहजता मिले, सरसता मिले, दिव्यता मिले, और यह संबंध आध्यात्मिक संबंध है, निर्हेतुक संबंध है, केवल कल्याण ही कल्याण की भावना है और कोई स्वार्थ नहीं है। संसार के अंदर जितने भी संबंध हैं कोई न कोई अपना निहित स्वार्थ है। यदि पति को पता चले कि पत्नी हमारी हमारे
हित में नहीं सोचती है, नहीं करती है, तो समाज के नाते उनको संबंध रखेगा, लेकिन धीरे धीरे मन से दूर हो जाएगा। ऐसे ही धर्म पत्नी है, अगर उसे पता चले कि हमारा पति हमारे हित में नहीं सोचता, एक परांगमुख है, तो धीरे धीरे प्रेम कम हो जाएगा और दूरियां बढ़ जाएंगी, रहेंगे साथ लेकिन मन एक साथ नहीं है, दुरुवता हो जाएगी जीवन में, जीवन जीना कठिन हो जाएगा। क्यों? स्वार्थ टकराता है। तो संसार के जितने संबंध हैं बंधुओं भाइयों बहनों, वो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए है, और एक दूसरे के स्वार्थ से एक दूसरे का संबंध टिका हुआ है, और तब आध्यात्मिक पथ के प्रदर्शक आचार्य सदगुरु का प्राकट्य होता है, जो निर्हेतुक होता है, बिना किसी स्वार्थ के होता है। इसलिए जीवन में सदगुरु के पास जरूर जाना, और पता कैसे चले सदगुरु कौन है, प्रभु ही प्रेरणा दे, मिलाते वही मिलह मिलावन करह करावह भंजह सोई उमा राम न कोई, तो करने कराने वाले वही हैं, हमें निमित्त बनाते हैं, हमको श्रेय देते हैं, यश देते हैं। यही तो गीता में भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस जित्वा शत्रून भुंस राज्यम समृद्धम मयैव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचि। तुम उठो, यश को प्राप्त करो, मैंने तुम्हारे सारे कांटे दूर कर दिए, तुम केवल आगे बढ़ो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है, पहले ही इनकी आयु मैंने दे दी। भगवान ने उपदेश देने के बाद कौरवीय सेना को देखा और अपनी दृष्टि से उनकी आयु ले ली, आयुहीन हो गए। आयुहीन तो तभी हो गए जब विदुर जी ने हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया, क्योंकि भगवान भी पांडवों के साथ क्यों थे, क्योंकि पांडवों के साथ धर्म, जहां धर्म वही भगवान, और जहां धर्म वही विजय, या तो धर्म तत्व जया, जहां धर्म है वही विजय है। बताए भी हम आपका सहयोग या आपके साथ क्यों है अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे साथ धर्म, और जहां धर्म रहता है हम वही रहते हैं, अधर्म के साथ कभी नहीं। और कभी शांति दूत बनकर भगवान जब जाते हैं और पहला प्रस्ताव रखते हैं, हस्तिनापुर में कोई विवाद ना आवे, अपवाद ना हो, अवसाद ना फैले, इसलिए पांडवों का हक दो, न्याय अगर तो आधा दो, इंद्रप्रस्थ लौटा दो, नहीं दे सकते दे दो बस केवल 5 ग्राम। लेकिन वो कहता है नहीं, सुचग्रे देवदास श्यामी बिना युद्ध देने के। तो भगवान बोले, युद्ध को देखा है तुमने, अरे शिव भक्तनी गांधारी को अपने सौ पर विलाप करने के लिए क्यों विवश करता है तू? नाराज हो गया, बोला अगर तू अगर तुम हमारे संबंधी न रहे होते और आज तुम्हारे मुख में जीभ न होता,
उसे निकाल कर जीव तुम्हारा खींच लेता और अपने प्रत्यंचा बना लेता। अज्ञानी था, भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा, यहां तक कि भगवान को असल भगवान का असली रूप भक्त देखते हैं, परंतु वहां धर्म के कारण अपने भक्त पांडवों के कारण उन दुष्टों को भी, पर दुष्टों को नहीं दिखाई पड़े, दुष्टों के आंखें चौंधिया गई, देखा भक्तों ने, भीष्म जी देखते, विदुर जी देखते, द्रोणाचार्य भी देखते, कृपाचार्य देखते, बाकी बड़े बड़े योद्धा जो कर्ण आदि थे नहीं देख पाए, चौधिया गए, न शकुनी देख पाया, न दुर्योधन देख पाया, और जो उनके सैनिक थे वे तो भाग कर जाने कहां लुका गए। और तब फिर बाद में कर्ण जब भगवान चले गए तो कर्ण क्षमा मांगने आया दुर्योधन की तरफ से, तब भगवान ने उसके जन्म की बात बताई, तब भी कहा हे केशव यह बात युधिष्ठिर से मत कहना कि हम उनके अग्रज हैं, वरना वे मुकुट हमें दे देंगे और हम दुर्योधन को दे जाएंगे, पांडव ध्रुव दुखी रह जाएंगे, दुखी ही रह जाएंगे, दुखी हैं आगे भी दुखी ही रह जाएंगे, इसलिए गुप्त इस बात को आप गुप्त ही रखिएगा। हम तो केवल कर्म करने के सहभागी हैं, फल पाना हमारा काम है, तो नियति हमें मजबूर करती है, आप न जावे ताए पर ताए कहां ले जाए। हाँ, तो हमें सदगुरु के संविधान में, सदगुरु के कृपा कटाक्ष के भीतर रहकर अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए। जीवन बहुत सुंदर है, मानव तन बड़ा सुंदर है, इसको यूं ही मत गंवाइए, कुछ करके जाइए, कुछ करने में न रहो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जगने रहकर कुछ नाम करो, पशु पक्षी की तरह खा पी कर सोना आपका लक्ष्य नहीं है, काम कीड़ा करके मर जाना आपका लक्ष्य नहीं है, आप कुछ करने संकल्प लेकर आ रहे हैं, संकल्प आपका कभी पूरा होगा जब सदगुरु का सहयोग मिलेगा, सदगुरु का मिलना भगवत कृपा से ही होता है, दिन भर कृपा मिले नहीं, संता सत्संगत संसद कराने का ये सत्संगत है, सत्संगति कथे कि न क्रोध कुल शाम, सज्जनों की संगति सदगुरु की संगति मनुष्य को क्या क्या नहीं दे देती है, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस सभा में आए हुए सभी का मंगलाशासन पूर्वक सबकी शुभकामना देते हुए सबको जीवन को सफल बनाने का सब प्रयास करें, भगवान आपके सारे शुभ कर्मों का फल प्रदान करें, आपको शुभ कर्म करें फल मिले अच्छा, और मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
जन मन की तरंग मार लो बस हो गया वजन आदत बुरी सुधार लो आदत बुरी सुधार लो आदत बुरी सुधार लो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो मन की तरंग मार मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन भजन हरी मन की तरंग मार लो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आए हैं हम कहां से आए हैं हम कहां से जाना हमें कहां आए हैं हम कहां से जाए हमें कहां आए हैं हम कहां से आए हैं हम कहां से जाना हमें कहां आए हैं हम कहां से जाना हमें कहां आए हैं हम कहां से जाना हमें कहां आए हैं हम कहां से जाने हमें कहां मन में यही विचार लो मन में यही विचार लो बस हो गया भजन आदत पूरी सुधार लो हो गया भजन माओ बुरी सुधार लो कर गया भजन मन की तरंग मार लो आ आ किसको पता है भैया कहां से आया है कोई आदमी के पास प्रमाण पत्र कहां चाहिएगा नहीं कितना सुंदर भाव इस भजन का है और उस भाव रस में हम आप डूब रहे हैं आना आए हैं हम कहां से आए हैं आए हैं हम कहां से जाना है हम कहां आए हैं हम कहां
मार लो बस हो गया भजन। मन कोई तरंग मार लो बस हो गया भजन। कड़वे वचन को छोड़ के मीठे वचन कहो, कड़वे वचन को छोड़ कर मीठे वचन कहो, कड़वे वचन को छोड़ के कड़वे 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 वचन को छोड़ के मीठे वचन कहो, कड़वे वचन को छोड़ कर मीठे वचन कहो, कड़वे वचन को छोड़ के मीठे वचन कहो, हो कड़वे वचन को छोड़ कर मीठे वचन कहो, कड़वे वचन को छोड़ के कड़वे वचन को छोड़ के मीठे वचन कहो, कड़वे वचन को छोड़ के मीठे वचन कहो, पानी का स्वर सुधार लो, पानी का स्वर सुधार लो, पानी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो बस बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। मित्र है तुम्हारे सब, मित्र है तुम्हारे दुश्मन कोई नहीं, सब मित्र है तुम्हारे दुश्मन कोई नहीं, सब मित्र है तुम्हारे, सब मित्र है तुम्हारे दुश्मन कोई नहीं, सब मित्र तुम्हारे दुश्मन कोई नहीं, दुश्मन कोई नहीं। मन का भवन हार लो, मन का भवन हार लो, मन का भवन हार लो, गुहार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो बस हो गया भजन, सुधार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, Thank you.
कदम रहा सदा वह ब्रह्म राम गट गट में है रम रहा सदा दीन बन पुकार लो तुम दीन बन पुकार लो बस हो गया भजन तुम दीन बन पुकार लो तुम दीन बन पुकार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो हो गया भजन मेहनत से जो कमाओ मिल बाट कर के खाओ मेहनत से जो कमाओ मिल बाट कर के खाओ मेहनत से जो कमाओ मेहनत 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 से जो कमाओ मिल बाट कर के खाओ मेहनत से जो कमाओ मिल बाट कर के खाओ मेहनत से जो कमाओ मत घूस का आधार लो बस हो गया भजन मत घूस का आधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो 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 बस हो गया आप तरंग मार लो हो गया भजन मन की तरंग मार लो हाँ मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बाल कृष्ण भगवान की सारी संगत की जय जय बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय श्री भाष्यकार भगवान की जय बहुत सुंदर श्री बच्चन सब लोग सुन रहे थे और मैं देख रहा हूँ कि दो दो घंटे से लोग लाइन में भी रह करके सुन रहे थे देख रहे थे और देख रहे हैं कि मैं सबका कष्ट भी समझ रहा हूँ जान रहा हूँ और कुछ कुछ क्षण में ये दे देंगे चर्चा अंतिम पंक्ति बड़ी कीमती थी मेहनत से जो कमाओ मिल बांट करके आओ जुग ऐसा कल युग है मेहनत से जो कमाओ अपने आप खा जाओ मिलना बांटना तो बात अलग है गुरु की शिक्षा यही है अकेले मत खाओ पेट भर जाएगा ऑपरेशन कराना होगा बेलौर में जाकर के मुंबई में जाकर के फिर भी ठीक नहीं होगा यही संतों की सीख है समरसता की सीख सबसे मिलते जुलते प्रेम भाव से रहिए मिल बात करके खाइए जीजिए ये संसार परस्पर है आग लगे आकाश में चुई चुई गिरे
अंगार। संतन होते जगत में तो जल जा संसार, संसार जल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ भारत छोड़कर कहीं और, द्वितीय विश्व युद्ध भारत से अलग, तृतीय विश्व युद्ध चालू है रूस यूक्रेन में, हमास इसराइल में, गाजा में, ये तृतीय विश्व युद्ध चालू है। भारत हमारा भारत संतों का देश है, आचार्यों का देश है, शांति का देश है, ये क्रांति का देश नहीं है। और भारत में जब भी क्रांति हुई है संपूर्ण विश्व को पलटना पड़ा है, उलटना पड़ा है। पहले भी विश्व भारत की ओर देखता था, भारत से ध्यान ले जाता था, आज भी विश्व भारत की ओर लौट रहा है, सनातन की ओर, धर्म की ओर, संस्कृति की ओर, अपनेपन का। यही तो हमारी आज परंपरा है, ये हटा देना है। और एक आदमी इधर भी सक्रिय कहीं बैठ गए और हमारे प्रसन्न नृपेंद्र वर्मा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक माइक घर से कॉर्डलेस लेकर के इनको दो भैया, और आप है क्या, हम आप आनंद लेते चले जाएंगे सार भाव में और भी कुछ कुछ उद्गारों के। ये बात है कि कल गुरुदेव को श्रीमद् भागवत कथा जो देवघर में चलेगी, जिनकी इच्छा हो वहाँ आएंगे। कल 4:30 ही प्रस्थान गुरुदेव का सवेरे, और आनंद लेते चले जाएंगे, सुनते भी जाएंगे।